हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जी, जो हमारा अभी फिजिकल एजुकेशन 8003 का एग्ज़ाम हुआ है, उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये सेट है, हमारे पास क्यू सेट है, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत में आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर लिखना नहीं भूलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है, क्या कहता है, विचलन के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुलक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वितरण को हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साथ के लिए आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जिस चिकित्सा विधि में बर्फ का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, है ऑप्शन नंबर डी, क्रायोथेरेपी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, गति विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, पेशी शब्द का लेटिन अर्थ है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मास हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल, काइनेसिस शब्द का तात्पर्य है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, गुरुत्व केंद्र का संबंध किससे है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौड़ाई से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 9th सवाल है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का नाम है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का नाम है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वरण का नियम हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीचे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांसपेशी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय नियम हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से तथ्य शरीर स्तर से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्श्विक हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्तर शरीर को डैश बांटता है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, दो हिस्सों में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अक्ष होते हैं? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, लीवर कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, लीवर का भाग कौन सा है? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आमाशय हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, रिसेट और मोशन का अध्ययन होता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 20वां सवाल है, एनाबोलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ओडेमा किस दशा में तुरंत परिक्षालित होगा? इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी,
पेशी खिंचाऊँ, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, वाइटल क्षमता इसकी सहायता से मापी जाती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोमीटर, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निचले धड़ में विस्फोटक शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, लंबी दूरी की दौड़, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, फॉल्ट लाइन परीक्षण विकसित करता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, खेल में चोटें कैसे लगती है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, शारीरिक दक्षता के घटक हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम अगले सवाल को देखते हैं, एथलेटिक की चोटों का बचाव किया जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वार्मिंग अप, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 29 हुआ, ट्रेडमिल को नापते हैं, सॉरी दोस्तों ट्रेडमिल से मापते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की क्षमता, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, गाइनोमीटर के प्रयोग से मापने हैं। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शीतलपन काल खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, जो कि हमारा 32 वाला सवाल है, किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है उसे कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल प्रशिक्षण, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, पांच गामक क्षमताओं के योग को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक योग्यता, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, पूरे शरीर से अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलना लक्षण है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत अधिक थकान, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, शक्ति की गणना करने का यंत्र है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमोमीटर, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 36वां, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, थकान की अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति सहनशीलता, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, जो कि हमारा 38वां सवाल है और 39वां सवाल है, इन दोनों का जवाब मुझे नहीं आता है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 40वां, किसी कार्य को कम से कम समय में करने की क्षमता कहलाती है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 41वां सवाल है, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशी की लंबाई न बढ़े और न ही घटे मगर तनाव बराबर बना रहे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्वाभ्यास, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, फुटबॉल को मैदान पर फेंका जाए तो वह कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, क्यों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक बड़ा भूभाग, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, एक समान, हमेशा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 45वें सवाल का मुझे जवाब नहीं आता है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 46वां सवाल, हृदय दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, उस समय को क्या कहते हैं जो संकेतन मिलने से पहले गति होने के मध्य लगता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी,
चाल का समय हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 48वां सवाल, NADA का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 49वां सवाल, निम्न में RICE से संबंधित गलत क्या है? इसका जो राइट जवाब हो जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर कूल, बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 50वां सवाल क्या कहता है, खेल मैदान पर चोट लगने के पश्चात तुरंत उपचार देना कहलाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपचार, हमारे बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना नहीं भूलना है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बॉलिंग क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट का एक कौशल, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? इसका जो राइट जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, तकनीक सीखने से, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर अगर ये खेल का मैदान स्थित हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, मानवीय शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, एनाबोलिक एस्टेरॉइड का प्रत्यक्ष प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में से कौन प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में नहीं आता? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनाबोलिक स्टेरॉइड, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मेरुदंड की चोट निम्न में कौन सी है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, हमारे बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, मोच का कारण होता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खींचना या लिगामेंट्स का जोड़ फटना, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाएं ली जाती है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कंट्यूजन शब्द संबंधित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोट से, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बेसबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, यूसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक एंड फील्ड, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 63वां सवाल है, नीरज चोपड़ा निम्न खेल से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, दुनिया में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत करने में कौन सा देश अग्रणी कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन, हमारा सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मांसपेशियों में होने वाली चोटों को कहते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंट्यूजन, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 66वां सवाल है, चिकित्सीय पद्धतियों में ताप के हस्तांतरण की विधि है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवहन, हमारे बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेतृत्व, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, पूर्व विद्यालय बच्चे चीज़ें सीखते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकरण द्वारा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, घावों के दो बड़े खतरे होते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दर्द और सूजन, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, आमतौर पर इस प्रकार की चोटों में बर्फ का प्रयोग होता है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि उपरोक्त सभी में हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 71वां सवाल, इसका मुझे आंसर नहीं मिला है। अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मानव शरीर में अस्थियाँ इस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थान एवं जोड़ हमारा राइट जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अर्जुन अवार्ड निम्न खेल से संबंधित है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में कौन मनोरंजन का साधन है। इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 75वां सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, निम्न में हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, क्रायोकाइटिनिक्स हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, 76वां सवाल, अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग जिम्मेवार है। इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांसपेशी हमारे बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, खेल समाप्ति के बाद खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आराम हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण कहाँ होना चाहिए। इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीचे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 79वां सवाल, महाविद्यालय में निम्न में से मनोरंजन का साधन कौन सा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। इसका जो सही जवाब हो जाता है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटबॉल हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माध्य हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 82वां सवाल क्या कहता है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाया जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1 हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में कौन डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसका मुझे सही जवाब नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्षतिपूर्ति हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्टिकल हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, 87वां सवाल, निम्न में द्वंद्वात्मक खेल कौन सा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक्शन और एबडक्शन क्या है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तोलक हमारा बिल्कुल राइट जवाब है। देखिए दोस्तों 89वां सवाल, प्रमाप विचलन को किससे चिन्हित किया जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, 90वां सवाल, किसी वर्ग सीमा की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्तार हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 91वां सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कम से कम समय में अपनी दशा व दिशा प्रभावित रूप से बदलना कौन सी क्षमता कहलाती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चपलता हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 92वां, डोपिंग पर नियंत्रण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाडा हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 93वां सवाल, खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइस हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, 94वां सवाल, निम्न में कौन सा दूरी का मात्रक है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हमारे बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, खेल संबंधी चोटों का पुनरावास किसके प्रयोग द्वारा होता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे बिल्कुल राइट जवाब हो जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 96वां सवाल, व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवसाय हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 97वां सवाल है। समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचे मैदान पर किस दौड़ में धावक के प्रदर्शन का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, स्ट्रेटजी कब बनाई जाती है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खेल से पहले, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थियों का, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 100वां सवाल, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। देखिए क्या कहता है, पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे इस पेपर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।